ओम शांति। आज 28/2/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। यह पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। कौशल कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उतरे पीस लेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना, यह काम केवल एक बाप का है, परंतु पुरुषार्थ करते हैं। सब मिलकर एक हो जाए, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं कि जब दुनिया में राम राज्य था तो पीस थी। अभी रावण का राज्य है, यहाँ पीस हो नहीं सकती। ओम शांति। बच्चों की दिल में आया कि पारलौकिक बाप आया है, लेने के लिए कहाँ ले जाएगा, शांति धाम। फिर क्या होगा, उन्होंने अच्छी रीति पढ़ाया था, वह सुख धाम में आएंगे। वहाँ आना है बाया शांति धाम। आत्मा समझती है कि बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है। सारा दिन यह याद रहे शक्ति है। जिनों को निश्चय नहीं वह आ नहीं सकते। तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाप भी समझते हैं, मैं बच्चों के सामने आया हूँ। बरोबर कल पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। यहाँ सब श्रेष्ठाचारी है, वहाँ है सब भ्रष्टाचारी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा, यह खेल है। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंच बनाया। ऊंचे दे ऊंचा, बाप जरूर ऊंचा ही बनाएंगे। ऐसे बाप की बहुत महिमा होती है। कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है। यह फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है। हर कोई में गुण होते हैं, परमपिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला है, परमपिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पार्ट मिला है। यह ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पार्टधारी कौन है, कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं, उस तरफ दिखाते हैं। बड़े बड़े भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि, यह सब विद्वान पंडितों के नाम है। अब विद्वान थोड़े युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे, लॉ नहीं है ना। झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। रावण झूठ और राम सत्य बताते हैं। परमपिता परमात्मा को सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रूथ, गॉड है ही एक। बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं वह सब झूठ है। यह सब बातें ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान में सच क्या है, झूठ क्या है, वह बाप आकर के समझाते हैं। भारत का गीता ज्ञान तो प्रायः लोप हो गया है। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां है। बाप कहते हैं, मैं आकर बच्चों को वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य, इसमें ही भगवान नुवाच है। बाप कहते हैं, तुमने श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, परंतु बाप आकर के समझाते हैं, जिसको तुम भगवान कहते हो वह सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है। वह पहले पहले मेरे से विदाई ले मुक्ति धाम से आया था, सत्यु का प्रिंस बनने। अच्छा, कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका बाप भी तो होगा ना। जैसे बाप वैसा बच्चा, श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई, उसने किससे वर्षा लिया। श्री कृष्ण है सत्यु के आदि, स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कितने धनवान थे, इतना धन उनों के पास कहाँ से आया। इस समय तो कुछ भी नहीं है, क्या हुआ, इतने पदार्थ कहाँ से और कैसे मिले,
किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप ने पढ़ाया। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सत्यु के राजा बनने वाले हो। वह तो अल्पकाल के लिए भिखारी राजाएं बनते हैं, वह कोई नॉलेज से नहीं बनते। जो बहुत दान पुण्य करते हैं वह जाकर सौकार घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिरताल। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो बाबा ने राज्य दिया था, बड़े सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। पूजन देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे जाओ। देवताओं के चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं, तो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा। नई दुनिया है ना, नई खेती माल अच्छा देती है, पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया, बाप समझाते हैं ऐसा था ना, फिर क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बन गए। बबूल का झाड़ होता है, उसमें कांटे बहुत होते हैं, उनको कहा जाता है कांटों का जंगल। इसमें एक एक मनुष्य कांटा है। काम कटारी चलाते हैं, माया के चटकने से रावण राज्य हो गया है। तुम हो गुप्त भेष में, किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी कल पहले मुआफिक श्रीमत पर चलते रहो। सिर्फ कल पहले मुआफिक नहीं, कल्प कल्प के मुआफिक। तुम बैठ बाप से राजयोग की शिक्षा सीखते हो। तुम हो नॉन वॉइसलेस, तुम अननोन हो, तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती है ना। यह शक्तियां गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करती है। तुम हर एक की बादशाही अपनी लेने का पुरुषार्थ करते हो। वह सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो। जो जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे। गाया गोया तुम भारत की सेवा करते हो। जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत कर राजा रानी प्रजा बनेंगे वही आएंगे। भारत में ही आकर राज्य करेंगे। तुम्हारी वहां है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव अक्षर पंडे पर है, बाप ने आकर समझाया है। मुख्य रूहानी पंडा मैं हूँ। पांडवों में मेल भी है तो फीमेल भी है, परवृत्ति मार्ग भी है। लड़ाई बाकी लड़ाई की तो कोई बात नहीं है। शास्त्र में तो क्या क्या बैठकर लिखा है, कितने नाम दिखाए हैं, बाप बैठकर समझाते हैं। यह सब ड्रामा की नोंद है। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल देना यानी सदगति करना। फिर सतयुग में भक्ति आदि होती नहीं है। संन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम है, स्वर्ग में यह आ न सके। अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था। बाप आकर के दैवी धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा है। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल देना यानी सदगति करना। फिर सत्यु में भक्ति आदि होती नहीं है। संन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ, स्वर्ग में यह आ न सके। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था। बाप आकर के देवी देवता धर्म बनाते हैं और तो फिर और धर्मों का विनाश होता है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो। वह है आसुरी संप्रदाय।
और यह है पतित दुनिया। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर की औलाद हैं। ईश्वर कौन है? यह निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं है। लोग समझते हैं ब्रह्मा ही ईश्वर है। अब ब्रह्म को परमात्मा, परमपिता परमात्मा थोड़ी कहेंगे, अपने को ईश्वर कहते हैं। नाम रख दिया ब्रह्म ज्ञानी, कोई अर्थ ही नहीं है। ब्रह्म महतत्व है, जहाँ हम आत्मा रहती है। शालिग्राम भी कहते हैं, रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परमपिता परमात्मा का बड़ा लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं है। परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी, इसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। सुप्रीम सोल परम धाम में रहने वाली है, आत्मा याद करती है आर्गन द्वारा। अभी यह सब बातें तुम जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत और मुख्य पाठधारी कौन है, कैसे पाठ बजाते हैं, कौन कौन जन्म लेते हैं, तो यह सभी हिसाब होगा। परंतु इसमें भी जानने की दरकार नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे यह है तुम्हारा धर्मायु जन्म, 84 जन्म तो ठीक है, यह है धर्मायु कल्याणकारी जन्म। अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसलिए यह कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम का किसी को भी पता नहीं है। संगम को युग युग कहते हैं, तो चार संगम रख दिए। बाप कहते नहीं, यह तो उतरती कला के हैं। सत्य को युग युग कह देते हैं, सत्य से त्रेता होगा तो दो कलाएं कम, द्वापर से और कम हो जाती है, पतित बन जाते हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, इतनी भाषाएं, कितनी अशांति। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में अशांति होती नहीं है। यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती है, पीस तो है नहीं, पुरुषार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाए, पोप भी कहते हैं, वननेस हो जाए। सभी ब्रदर हैं परंतु आपस में बनती नहीं, क्यों नहीं? उनों को ड्रामा का पता नहीं है। दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी, अभी तो रावण राज्य है, अनेक धर्म है। अब इस पीसलेस को फिर से पीसफुल बनाना है, एक बाप का काम है। यह तो दुनिया का प्रश्न है ना, वर्ल्ड के फादर को फूलना रहेगा ना। बाप कहते हैं मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी, पीसलेस आत्माओं को वापिस ले जाते हैं। वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गॉड फादर को आना पड़ता है, उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके सबको सुख शांति देवे करके फिर छिपा देते हैं। ऐसा छिप जाते हैं जो सत्यु त्रेता में भी कोई नहीं जानते, सत्यु त्रेता को भी कोई नहीं जानते, द्वापर कलियुग को भी नहीं जानते हैं। जब तक खुद ना आकर अपना परिचय दे, देवता को नहीं जानते, अपनी आत्मा को नहीं जानते, बाकी रचता को नहीं जान सकते। बाप कहते हैं यह नॉलेज प्रायः लोप हो गई है। यह तो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं, सब खत्म हो जाने हैं, भक्ति मार्ग की एक चीज भी नहीं रहती है। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ। सन्यासी तो ऐसे कह नहीं सकते, उनका नवृत्ति मार्ग है। पावन से पतित, फिर पतित से पावन, मुझको ही बनाना पड़ता है। सन्यासी का भी ड्रामा अनुसार पार्ट है, या ना हो तो भारत और ही दुखी हो जाए। मुख्य बात है पवित्रता की, पवित्रता की ताकत से तुम पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। बाप की श्रीमत से हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली है, पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। यह यात्रा बहुत वंडरफुल है। हे रात के राही थक मत जाना,
शक्ति को दिन कहा जाता है, पहले तुम स्वीट होम जाकर फिर दिन में आएंगे, तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। इतना समझने की बात है, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो वशीभूत हो जाएंगे, कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करो, लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते है ना, ऐसे ही पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? पारलौकिक बाप जिसने स्वर्ग का तुम्हें वर्षा दिया, उनको तुम क्यों भूल जाते हो? तो वर्षा भी भूल जाएगा फिर क्या पद पाएंगे। युक्ति से बताते रहते हैं सब बाबा, बस बाबा आया कि आया, हमको यह शरीर भी नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है लेकिन समझेगा कोई कोई। आधा कल्प दुख से दुख में याद करते आए हो, बाबा हमको अभी दुखों से छुड़ाओ। अब तुमको सभी दुखों से छुड़ाते हैं, अगर हमारी मत पर चलेंगे तो मैं तुम्हारा बाप हूं ना, फिर क्यों कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं? तुम बच्चे हो, शांति धाम सुख धाम जाएंगे ना। मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे, फिर कहते हैं भूल गया बंदर है ना, इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता है तुम भूल जाते हो। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है, अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। दूसरा है पारलौकिक बाप, जो मीठे ते मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे हमने निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी कमाई करनी है, वरदान है हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संप्रभव। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है, अगर हर बोल में शुभ और श्रेष्ठ भावना आत्मिक भावना है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ेगा। यदि बोल में ईर्ष्या द्वेष घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई हो तो बोल द्वारा गवाने का खाता ज्यादा होता है। स्लोगन है हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।